how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So in today's video, I'm gonna tell you how to make a homemade moisturizer that is so less expensive but have all the ingredients or all the benefits of expensive moisturizers. So moisturizers ke aapko benefits bhi bataungi aur saath how to make your own moisturizer at home. So if you're interested, then let's start the video. This is a request from a very good subscriber. So this is specially for you. I will pin her comment in the comment section if she commented. She doesn't comment it that regularly, but when she asked me, I thought it's a good idea. Actually, मैं देखा जाए तो moisturizer ही सबसे ज़्यादा important होते हैं आपकी skin care routine में. Cleansers ने आपकी skin के ऊपर से dirt हटा दी. टोनर्स ने अपनी स्किन को और साफ़ कर दिया. स्क्रब ने आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन रिमूव कर दी. लेकिन सब कुछ रिमूव करने के बाद अपनी स्किन को आप दे क्या रहे हैं? तो मॉइस्चराइजर्स आर द बेस्ट वे टू गिव योर स्किन अ गुड ट्रीटमेंट. और यकीन माने कि हर फेस ट्रीटमेंट के बाद एंड पे बात आके ख़त्म होती है मॉइस्चराइजर्स पे. तो चले अब आपको बता देती हूँ कि इसको बनाना कैसे है. तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड सी हाउ इट एक्चुअली मेक्स. Let's do it. I have put gathered things that I am gonna need to make this moisturizer. और सबसे पहले एक प्यारी सी बॉटल ले लें जिसके अंदर से आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हुए यू फील गुड. सो या आई वुड सजेस्ट टू गेट और फाइंड अ गुड कंटेनर फॉर दैट. अच्छा जी, सबसे पहले जो इसमें बेस मटीरियल जाएगा ना, दिस इज अ बॉडी बटर बाय ब्यूटीफाई बाय आमना. सो इट इज़ अ बिग जार. इट इज़ आमंड एंड हनी एक्सट्रैक्ट के साथ बॉडी बटर है. अच्छा, अब बंदा कहे भाई इतनी महंगी प्रोडक्ट के साथ हम इकोनॉमिकल चीज़ क्यों बनाएंगे, ठीक है? क्या फ़ायदा अगर इतनी महंगी हमें यही लेनी है तो हम इसकी जगह एक अच्छा मॉइस्चराइजर क्यों ना बाय कर ले. यू आर वेरी करेक्ट विद दिस काइंड ऑफ इफेक्ट. अच्छा जी, मेरे पास है तो आई एम यूजिंग दिस बॉडी बटर. बट अगर यू कैन फाइंड अ शेयर बटर और बॉडी बटर, एनी काइंड ऑफ बॉडी बटर, दैट वुड बी अ ग्रेट बेस फॉर योर मॉइस्चराइजर, ठीक है? If you don't have, then I'm gonna use this Pond's White Beauty Anti Spot Fairness UV Sunscreen Protected जो है वो क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं. Pond's मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये उतनी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती जितनी फेयर एंड लवली छोड़ती है. सो अगर आप Pond's भी ना आप बाय करना चाहें, फेयर एंड लवली तो बहुत ईजिली अवेलेबल जो हो जाती है. फेयर एंड लवली का ये है कि उसके फेक्स बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है. सो यू एक्चुअली रियली डोंट नो कि आप फेक यूज प्रोडक्ट करें कि असल प्रोडक्ट यूज करें. सो लेट्स पुट दिस पॉन्ड्स फर्स्ट. और हम उतनी ही प्रोडक्ट बनाएंगे जितनी हम यूज कर सके. सो देयर इज नथिंग, ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो लिक्विड फॉर्म में हो और हम उसको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है जी? अब ये मैंने इसकी ये बेस ले ली है पॉन्ड्स की. अब मेरे पास बॉडी बटर है तो मैं यूज कर रही हूँ. दिस इज बाय ब्यूटीफाई बाय आमना. और ये फेस के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, ये बॉडी के लिए है. सो इट्स अ बिग जार ऑफ ऑलमोस्ट 300 ml और 500 ml. आई डोंट नो एक्चुअली, लेट मी सी हाउ मेनी ml आर देयर. 300 ml है जी इसके अंदर. सो स्मेल करने पर इट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटेड स्मेल है. सो इसका छोटा सा स्कूप लेंगे, हमें ज्यादा नहीं चाहिए. सो वी जस्ट गोना टेक अ स्मॉल स्कूप बिकॉज इट्स गोना बी बिट थिक और हैवी. नाउ वी नीड समथिंग व्हाइटनिंग इन आर मटीरियल. तो उसके लिए मेरे पास ये दो तरह के सीरम्स हैं और आप डेफिनेटली बायोकॉस का भी सीरम यूज कर सकते हैं. इसकी प्राइस है टोटल 95 rupees जो मुझे पड़ा था और इसकी प्राइस है तकरीबन 100 rupees. इट इज ऑल्सो रियली इकोनॉमिकल. अच्छा जी, इसमें ग्लूटाथॉन है और एम्प्यूल्स हैं. ये ग्लूटाथॉन के एम्प्यूल्स आर द बेसिकली मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सीरम्स जो डीपली आपकी स्किन के अंदर एक्चुअली बहुत फास्ट पेनिट्रेट करता है. तो मैंने अभी तक एम्प्यूल्स मार्केट में नहीं देखे जो इतनी अच्छी क्वालिटी में आपको मिलते होंगे. सो इफ यू कैन फाइंड दिस फेस फ्रेश, ये दराज पे बेसिकली अवेलेबल है. आपको कहीं से ना मिले तो आप ये दराज से छोटी सी सीरम की बॉटल बाय कर सकते हैं और ये बहुत ईजी है यूज करने में. आप इसको एक्चुअली बार बार यूज कर सकते हैं. वेयर इन दिस काइंड ऑफ सिरिंज आपको क्वांटिटी भी कम मिलती है, वैसे प्राइस भी इसकी कम है. क्रिस्टाइन का बेसिकली मेरे पास पूरा फेशियल जो है वो अवेलेबल है एंड आई डू हैव अ वीडियो ऑन इट. यू कैन आई विल पोस्ट दैट वीडियो एट द एंड ऑफ द वीडियो. इसके बाद वो भी वॉच कर सकते हैं. अच्छा जी, मैंने यही यूज करना है, दैट्स व्हाई आई वाज ओपनिंग दैट. इसी से मैं ये जो वाइटनिंग सीरम है ये इसमें ऐड कर लूंगी.
अच्छा, अब मैं सारी प्राइजेज जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड करूंगी, सो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. लेट्स पुट ऑल ऑफ इट. लेट्स एम्प्टी दिस वाटर. नेवर माइंड, वी गोना स्क्रेप इट लेटर. अच्छा जी, उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, व्हाइटनिंग कैप्सूल्स. ठीक है, तो इसके अंदर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें. मैं इसके अंदर तकरीबन 2 डालूंगी. अच्छा जी, मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे ये ज़्यादा ऑयली ना हो जाए, क्योंकि शिया भी बटर है और ये वाइटनिंग कैप्सूल्स भी ऑयल बेस्ड ही होते हैं. सो आई एम जस्ट गोना ऐड 2, बट यू कैन डेफिनेटली ऐड मोर. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसके अंदर ज़्यादा पी ऐड कर सकते हैं. नेवर माइंड, लेट्स मूव ऑन. अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें थिकनिंग एजेंट चाहिए. उसके लिए मैं ये रिवाज यूके का कुकुम्बर जेल है वो यूज़ कर रही हूँ. आप चाहे तो इसके अंदर एलोवेरा जेल भी मेरे पास है. यहाँ पर गोल्डन रोज का स्किन शाइनर, इसके अंदर बेसिकली आपको मिल जाता है जी ग्लिसरीन, और ये आपकी स्किन को शाइन भी देगा. तो इसके भी फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं, तो वो मैंने ऐड कर लिए हैं. नाउ वी जस्ट गोना मिक्स एवरीथिंग एंड टर्न दिस फॉर्मूला इनटू अ मॉइस्चराइजर. Mix it very well. Last but not the least, one more thing I'm gonna add. जो मैं हमेशा अपनी whitening creams में भी add करती हूँ, and that is this रिवाज यूके का sunblock. और ये SPF है जी तकरीबन 1 teaspoon, tablespoon चला जाएगा इसमें. SPF है जी 60. SPF का मतलब हो जाता है कि it can give you sun protection up to 60 minutes. 60 मिनट्स के बाद अगर आप फिर भी सन में हैं तो यू नीड टू अप्लाई दिस सन ब्लॉक अगेन. 60 मिनट्स के बाद इसकी प्रोटेक्शन जो है वो लेवल कम हो जाएगी. सो या ऑल इन ऑल, अगर आप इन प्रोडक्ट्स के पैसों को देखें कि आपको इतनी सारी चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं टू मेक अ मॉइस्चराइजर, एंड इसके बदले में अगर मैं आपसे कहूँ कि यू शुड बाय अ गुड सीरम लाइक दिस रोरिक राइस सीरम, बहुत इकोनॉमिकल है. आई थिंक इट्स लाइक 250 रुपीज ऑन दराज. सो डू बाय दिस काइंड ऑफ सीरम, ये इतना इकोनॉमिकल है कि इट्स रियली इकोनॉमिकल. अच्छा जी, अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है. एंड आफ्टर अप्लाइंग एनी थिंग, और जस्ट फेस वॉश करने के बाद भी आप जस्ट ये अप्लाई करें, एंड यू विल योर स्किन विल बी मॉइस्चराइज. सो आई लेट्स मूव ऑन एंड सी के जी क्या कर सकते हैं आप इसके साथ. और फेस पे अप्लाई करेंगे. अच्छा जी, हैंड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको. इट्स फुली एब्जॉर्ब्ड. अब यू कैन सी मेरे स्किन के ऊपर कोई शाइन नहीं है. देयर इज नो शाइन, इट्स फुली एब्जॉर्ब्ड. और मेरी ऑयली स्किन है, सो आई डोंट नीड एनीथिंग ऑयली टू मेक माई स्किन मॉइस्चराइज. सो या ओके, नाउ यू हैव सीन कि ये कितना जल्दी आपकी स्किन में पेनेट्रेट. आई हैव रिसेंटली डन स्किन केयर प्रोडक्ट वीडियो, और द ओनली थिंग वॉज लेफ्ट टू अप्लाई द मॉइस्चराइजर. So what I'm going to do it right now in front of you, and it's been while I have made this moisturizer, and it's so good in the summer, especially because it has a sunblock in it. You can apply regularly on your face before going out, and inshallah it will be beneficial for you. If you made this and if you have any query related to the products, agar ye na ho to kya kare, ye na ho to kya kare, then I will answer all your questions in the comment section. So don't forget to ask anything. You can also contact me on Instagram. I will put my ID here where you can see. So yeah, this is my whole video. Hope you like my video. If you like, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. I will see you in my next video. Until then, take very good care of yourself and the loved ones around you. Allah Hafiz. Before you leave, wait. Before you leave, don't forget to check out these videos. These are also very good for you if you're looking for whitening something on your face. So yeah, now finally, Allah Hafiz.